नाज़रीन अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। पेश है आज के मकामी अखबार से शाया सुर्खियां। शुरू करते हैं रोजनामा तामील इरशाद से। रोजनामा तामील इरशाद ने कोरोना वायरस को अपनी टॉप हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, 10 खवातीन समेत मजीद 16 अफराद के कोविड-19 टेस्ट मजबूत, मुतासरीन की तादाद 581 तक पहुंच गई। वादी में 500 का हिंसा पार, बांजीपुरा में सबसे ज्यादा 127 मामला दर्ज, सुबह जम्मू में 58। जम्मू व कश्मीर में 68,846 अफराद जेर निगहदाश्त, अब तक 192 मरीज शिफायाब। हुकूमत लिखते हैं, जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है और बुधवार को वादी कश्मीर में 58 अफराद में इस मोहलिक वायरस की तशखीस हुई है। इस तरह जम्मू व कश्मीर में अब कोविड-19 के कुल तादाद 581 तक पहुंच गई है। एक और खबर शाया हुई है, कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत का अहम फैसला, बजट तखमीना जात को अगली साह माही के लिए 20% तक महदूद करने का दिया हुक्म। आगे बढ़ते हैं रोजनामा आफ्ताब। रोजनामा आफ्ताब ने भी कोरोना वायरस को ही अपनी टॉप हेडलाइन बनाया है। एक और खबर शाया हुई है, कोरोना वायरस की इंसानों से जानवरों में मुंतकली, कुपवारा में तेंदुए की मौत पर मुख्तलिफ कयास आराया, मकामी आबादी खौफजदा। लिखते हैं, कोरोना वायरस इंसानों से जानवरों में मुंतकिल होने के इम्कान के बीच यहाँ अवामी हल्कों में उस वक्त खदशात पैदा हो गए जब कुपवारा के गुलाबनार जंगल में एक तेंदुए को मुर्दा हालत में पाया गया। अगरचे इस बारे में महकमे का कहना है कि तेंदुआ रीछ के साथ लड़ाई में मारा गया, लेकिन इसके बावजूद इस बारे में लोग मुख्तलिफ नौयत की कयास आराया कर रहे हैं। और एक और खबर शाया हुई है, रियासतों के दरमियान आमदोरफ्त की मंजूरी, दरमांदा लोगों के घर जाने का रास्ता साफ। आगे बढ़ते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा। रोजनामा कश्मीर उज़्मा ने भी कोरोना वायरस को ही अपनी टॉप हेडलाइन बनाया है। वही दरमांदा लोगों की खबर को अपने अखबार में जगह देते हुए लिखते हैं, दरमांदा लोगों को सफर करने की मशरूत इजाजत मिल गई, रियासतों को माबीन मशवरा और इत्तेफाक करना होगा, मेडिकल जांच लाजमी करार। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, लॉकडाउन के दौरान 16,598 अफराद को राहत, 33,803 ट्रकों की नकलो हमल यकीनी बनाई गई, 8100 मजदूरों की वापसी हुई, कोटा राजस्थान से जम्मू के 186 और कश्मीर के 134 तौलबे इल्मों को वापस लाया गया। आगे बढ़ते हैं रोजनामा अखबार मशरिक। रोजनामा अखबार मशरिक अपने टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, मुहाजिर मजदूरों और तलबा की वापसी मंजूर, मरकजी हुकूमत का अहम फैसला, वजारत दाखिला ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को शराइत के साथ घर जाने की इजाजत दे दी। वही एक और खबर शाया हुई है, मुसलमानों की अरब ममालिक से जुल्म की शिकायत पर सैलाब आ जाएगा, अहली अकलीती कमीशन के चेयरमैन के पोस्ट पर इस्तीफा का मुतालबा, जफरुल इस्लाम खान की तरदीद। आगे बढ़ते हैं रोजनामा श्रीनगर न्यूज। रोजनामा श्रीनगर न्यूज ने भी कोरोना वायरस को ही अपनी टॉप हेडलाइन बनाया है। वही सूबाई कमिश्नर की तरफ से लिखते हैं, कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम के लिए इकदाम, गैर सरकारी रजाकार तंजीमें जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। लिखते हैं, कोविड-19 वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर सूबाई कमिश्नर ने आज गैर सरकारी रजाकार तंजीमों और दीगर रजाकारों से अपील की है कि वो आगे आकर जरूरतमंदों की मदद के लिए सरकार की तरफ से किए जाने वाले इकदाम की अमल आवरी को यकीनी बनाए। आगे बढ़ते हैं रोजनामा चट्टान। रोजनामा चट्टान ने भी कोरोना वायरस को ही अपनी टॉप हेडलाइन बनाया है। वही दरमांदा मुसाफिरों की खबर को लेकर लिखते हैं, दरमांदा मजदूर तलबा और सयाह अब घर वापस जा सकते हैं, वजारत दाखिला ने नई हिदायत जारी की। अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, इरफान खान की वफात पर सदर वजीर अजम राहुल गांधी वगैरह का इजहार अफसोस। लिखते हैं, बॉलीवुड में अपनी संजीदा अदाकारी के लिए मशहूर अदाकार इरफान खान का बुध को यहाँ के कोकिला बीन घेरोबाई अंबानी अस्पताल में इंतकाल हो गया। अब एक नजर डेली इंग्लिश न्यूज पेपर्स पे। शुरू करते हैं ग्रेटर कश्मीर से। ग्रेटर कश्मीर ने कोविड-19 को अपनी टॉप हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, 16 न्यू केसेस टेक जेएनके टोटल टू 581, 1134 सैंपल्स टेस्टेड इन वन डे। वे अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, यूएस केसेस क्रॉस 1 मिलियन मार्क, डेथ टॉल एक्सीड्स अमेरिकन फैटेलिटीज इन वियतनाम वॉर। लिखते हैं, द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड बाई द कोरोना वायरस पेंडेमिक इन द यूएस क्रॉस्ड द 1 मिलियन मार्क ऑन ट्यूजडे, वाइल द फैटेलिटीज स्पाइक्ड टू ओवर 58,300, एक्सीडिंग द नंबर ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स हू लॉस्ट देयर लाइव्स इन द 2 डिकेड लॉन्ग वियतनाम वॉर। आगे बढ़ते हैं राइजिंग कश्मीर। राइजिंग कश्मीर अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, गवर्नमेंट साइंस एमओयू विद टाटा टेक टू सेट अप सीआईआईटीज एट जम्मू, इट विल ऑफर इमेंस एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एलजी। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, नो रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन फ्रॉम बॉडी, जीएके प्रेस, नाइक फॉर डिग्निफाइड ब्यूरियल ऑफ दोज हु डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस। आगे बढ़ते हैं कश्मीर रीडर। कश्मीर रीडर ने भी कोविड-19 को ही अपनी टॉप हेडलाइन बनाया है। वही एक और खबर शाया हुई है, कश्मीरी स्टूडेंट स्ट्रैंडेड इन यूपी अपील जेएनके गवर्नमेंट टू ब्रिंग देम बैक। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, मियान कयूम टू रिमेन इन तिहार, जेएनके एचसी सेटिस्फाइड विद फैसिलिटीज। लिखते हैं, द जेएनके हाईकोर्ट हैज एक्सप्रेस्ड सेटिस्फेक्शन ओवर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द तिहार जेल अथॉरिटीज टू जेएनके हाईकोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट मियान अब्दुल कयूम।
आगे बढ़ते हैं कश्मीर इमेजेस। कश्मीर इमेजेस ने भी कोरोना वायरस को अपनी टॉप हेडलाइन बनाया है। एक और खबर शाया हुई है, गवर्नमेंट अलाउज मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड पीपल विद कंडीशन। लिखते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल स्ट्रैंडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर ऑन वेडनेसडे अलाउड टू मूव टू देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस विद सर्टेन कंडीशंस, गिविंग अ बिग रिलीफ टू द डिस्ट्रेस्ड पीपल। आगे बढ़ते हैं कश्मीर टाइम्स। कश्मीर टाइम्स ने भी कोरोना वायरस को ही अपनी टॉप हेडलाइन बनाया है। एक और खबर शाया हुई है, 16 केसेस ऑफ रेप, 64 इंसिडेंट्स ऑफ मॉलेस्टेशन इन J&K इन लॉकडाउन। लिखते हैं, द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म्ड द हाई कोर्ट दैट 16 केसेस ऑफ रेप एंड 64 इंसिडेंट्स ऑफ मॉलेस्टेशन वर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इन द यूनियन टेरिटरी, रिपोर्ट्स अ लोकल न्यूज एजेंसी KNO। नाज़रीन, ये थे आज के मकामी अखबारों से शाया सुर्खियां। आप देखते रहे P News। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।